Hello students, good morning, how are you? I hope all are fine. So, आज का हमारा standard है 7th और हमारा subject है गुजराती. तो students, हम गुजराती में पूरक वाचन 3 खिचड़ी पकाऊ चु उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. पेज नंबर है 93. ये जो स्टोरी है वो अकबर और बीरबल की है. नाम तो आपने सुना ही होगा अकबर और बीरबल का, और उसकी कितनी स्टोरी भी है तो वो भी आपने सुनी होगी. तो आज हम फिर से एक अकबर और बीरबल की एक न्यू स्टोरी यहाँ पे सुनने वाले हैं. बीरबल एनी चतुराई माटे जानीतो छे. अहीं अकबर बीरबल ने एक चतुराई की कथा आपेली छे. बीरबल एनी चतुराई थी अदेखा चौकीदार ने बोध पाठ भणाव्यो, जुवानने न्याय अपाव्यो अने अकबरनी आँखों खोली आपी. बीरबल किसके लिए फेमस है? अपनी चतुराई के लिए. और यहाँ पे भी जो सभी स्टोरी में होता है वैसा ही यहाँ पे हुआ है. क्या होता है? अकबर कोई प्रॉब्लम में होता है या फिर अकबर कोई क्वेश्चन करता है और उसका आंसर कौन देता है? बीरबल देता है. तो वैसे ही यहाँ पे हुआ है. चलो अब हम स्टोरी देखते हैं. शियाळाना दिवसो हता, कड़कती ठंडी हती. दरबार में बैठा बैठा अकबर बादशाह ना मन में एक विचार आव्यो. तेणे दरबारियों ने पूछ्यु, महलने पासेना तळाव में आखी रात ठंडा पानी में कोण उभो रहे खरो? यहाँ पे क्या हुआ है? विंटर, विंटर की सीजन है तो क्या होगी? ठंड तो होगी ही. तो फिर इतनी ठंडी में कोई बाहर जाएगा नहीं. तो फिर क्या हुआ? दरबार में बैठा बैठा अकबर बादशाह ना मन में एक विचार आव्यो. उसने सब दरबारियों को क्या कहा? यहाँ पे महल के बाजू में ये तालाब है, यानी कि एक वहाँ पे लेक है. वहाँ पे पूरी रात कौन खड़ा रह सकता है? क्योंकि सबको मालूम है जब विंटर होता है तो पानी ठंडा होता है और रात को तो वो और भी ज़्यादा ठंडा लगता है. तो कोई वहाँ पर खड़ा रह सकता नहीं है, वो भी पानी के बीच में. तो कोई वहाँ पर नहीं खड़ा रह सकता है. एक दरबारी बोलियो, नामदार दिल कोरी नाखे एवी ठंडी छे, बर्फ जेवा ठंडा पानी में उभा रहवानी कोनी छाती चाले, उनाळो हो तो कोई एवी हिम्मत करे. तो यहाँ पे सब दरबारी एक साथ बैठे थे तो उसमें से एक दरबारी ने क्या बोला? नामदार, यानी कि वो राजा को एक रिस्पेक्ट दी है. नामदार दिल कोरी नाखे एवी ठंडी छे, यानी कि ठंडी कैसी है? खूब ही खूब ज्यादा है. बर्फ जेवा ठंडा पानी में उभा रहने को नहीं छाती चाले, यानी कि जो पानी है वो कैसा है? बर्फ जैसा ठंडा है. तो वहाँ पे किसकी हिम्मत होगी कि वो वहाँ पे पूरी रात खड़ा रह सके? अगर समर होता तो कोई वहाँ पे जाने का रिस्क ले सकता है, बट ये विंटर में वहाँ पे कोई जा सकता नहीं है. कोई इतना रिस्क नहीं रहेगा. त्या बीजो दरबारी बोली उठ्यो, खुदावंत पैसा अजब चीज छे, इनामनी लालचे कोई जोखम खेड़े खरो. तब क्या हुआ? वहाँ पे जो दरबारी सब एक साथ बैठे हुए हैं तो एक ने क्या बोला? वहाँ पे कोई नहीं जाएगा. तो दूसरे ने क्या बोला? पैसा अजीब चीज़ है, यानी कि पैसा है वो अजीब है, उसकी लालच में कोई भी वो जोखम लेने के लिए रेडी हो जाएगा अगर आप उसको पैसे दे तो. बादशाह ही मोटा इनाम ने जाहरात करी, 50 वर्षना एक गरीब जुवान ने आ इनाम ने शरत स्वीकारी. આથી બાદશાહે તળાવની ચારે બાજુ કડક ચોકી પહેરો ગોઠવ્યો. નવજુવાન આખી રાત ઠંડા પાણીમાં ઊભો રહ્યો. ફિર ક્યા હુઆ? 15 યર કા એક પૂર એક જો આદમી થા, પૂર મેન, ઉસને ક્યા કિયા? યે જો રિસ્ક થા વો લે લિયા. ક્યું? ક્યુંકિ વો પૂર થા, ઉસકો પૈસે કી જરૂરત થી, તો ઉસને યે રિસ્ક લે લિયા ઓર વો પૂરી રાત વહાં પે તાલાબ મેં ઠંડે પાણી કે બીચ મેં खड़ा रहा. तो फिर बादशाह ने क्या किया? वो लेक था उसके चारों बाजू वहाँ पे चौकीदार को रख दिया. सवार में बादशाह है तड़ाव पास आवीने जोयो तो नौजवान पानी में उभो उभो प्रार्थना करतो हतो. बादशाह तेने शाबाशी आपवा जता हता
त्यां एक अदेखो चौकीदार बोल्यो, हुजूर रात्रे में एने तापतो जोयो हतो। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बादशाह जब वहाँ पर लेक के पास जा रहे थे तो फिर क्या हुआ, वो जुवान क्या, वो जो नौजवान था, वो यानी कि वो जो मैन, वो क्या कर रहा था, प्रे कर रहा था। तब बादशाह उसको शाबाश देने जा रहे थे, वो जाए उसके बीच में ही वहाँ पे एक चौकीदार था, उसने बादशाह को रोक लिया और क्या बोला, हुजूर रात को ये यहाँ पे अग्नि में ताप रहा था, यानी कि उसको यहाँ से गर्मी मिल रही थी। नौजवान बोली उठ्यो, हूँ तापतो हतो, आवो गोळो शा माटे गबड़ावे छे, हूँ तो आखी रात पानी में हतो, तू पोते नो साक्षी छे। तो फिर वो जो नौजवान था वो क्या बोला, तू ऐसा झूठ क्यों बोल रहा है, मैं तो यहाँ पे पूरी रात पानी में ही खड़ा था और तू भी उसका साक्षी है, तूने भी वो सब देखा है। चौकीदार बोलियो, महल में थी आवता दीवाना प्रकाश तरफ नजर राखी ने तू न तो उभो। तो फिर चौकीदार ने क्या बोला, महल में से, वहाँ महल में क्या था, एक दिया था और दिए में से जो प्रकाश आ रहा था वहाँ पे तू अपनी नजर ठहरा के खड़ा था। भोड़ा जुवान ने जवाब आप्यो, हाँ आखी रात ए दीवाना प्रकाश तरफ में नजर राखी हती। तो वो जो नौजवान था वो क्या बोला, हाँ आपकी बात तो राइट है, मैंने पूरी रात अपनी नजर कहाँ पे रखी थी, वहाँ महल में जो दिया था वहाँ पे रखी थी। अदेखा चौकीदारे कहियो, त्यारे तने ए दीवानी गर्मी मळी खरी ने, ए गर्मी मळी तेथी तू जीवतो रह्यो, हुजूर आ माणस इनामने लायक नथी। तो फिर क्या हुआ, वो जो चौकीदार था वो क्या बोला, तो तुझे वो दिए में से गर्मी मिल रही थी इसलिए यहाँ पे तो पूरी रात खड़ा रह सका और इसलिए तू जिंदा है, वरना तू यहाँ पे खड़ा भी नहीं रह सकता और तू जिंदा भी नहीं रहता, इसलिए तू इनाम लेने के लायक नहीं है। नौजवान ने इनाम आप्या विना बादशाह त्यांथी चालिया गया। अब वहाँ पे जो बादशाह अकबर आए थे वो, उसने नौजवान को इनाम दिया नहीं और वो वहाँ से ऐसे ही चले गए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही।